बता दें आपको कि एक दो दिनों में तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो आज निकाय चुनाव का अंतिम आरक्षण जारी हो सकता है। एक दो दिनों में तारीखों का ऐलान भी संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। एक तरफ राजनीतिक दल लगातार अपनी चुनावी जमीन को मजबूत बना रहे हैं, प्रत्याशियों को लेकर लगातार जो माथापच्ची का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं एक दो दिनों में अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज जारी हो सकता है निकाय चुनाव का अंतिम आरक्षण। एक दो दिनों में तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है तब से राजनीतिक दलों की तैयारी लगातार हो रही है और ऐसे में आज निर्वाचन आयोग आज या कल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं आज निकाय चुनाव का अंतिम आरक्षण जारी हो सकता है। एक से दो दिनों में तारीखों का ऐलान संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए थे आरक्षण को लेकर और चुनाव आयोग से अपील की थी और अब ये संभव है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो। निकाय चुनाव का अंतिम आरक्षण आज जारी होगा। एक दो दिनों में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनावी दल लगातार अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं और इसको लेकर सभी दलों की तैयारियां भी साफ दिख रही है। प्रत्याशियों पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। एक से दो दिनों में तारीखों का ऐलान भी संभव है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी पुख्ता तैयारी के साथ अपनी चुनावी जमीन को लगातार मजबूत बनाने में जुटे हैं। बीजेपी भी तमाम रणनीतियों के साथ चुनावी मैदानों में उतरने जा रही है और संजय चौहान जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय संजय आज अंतिम आरक्षण जारी हो सकता है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है और ज्यादा जानकारी आपसे चाहिए। बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि जो पिछड़ा आयोग जो आरक्षण की ट्रिपल लेयर का की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने के बाद सरकार ने अंतिम जो आरक्षण सूची थी वो जारी की थी, जिसको लेकर के आपत्तियां मांगी गई थी। 6 अप्रैल तक देर शाम तक 2000 से ज़्यादा आपत्तियां जो है वो दाखिल हुई थी। उस आपत्तियों को निस्तारण के लिए चुनाव आयोग को 6 तारीख को ही आपत्तियां सौंप दी गई थी। अब चूँकि अंतिम आरक्षण की जो सूची है चुनाव आयोग वो आज जारी कर सकता है, उसके बाद चुनाव की जो तारीखों का ऐलान आज से कल तक चुनाव आयोग कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आपत्तियां आई थी आपत्तियों को देखते हुए उन पर गहरा मंथन किया गया और खास करके मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कई आपत्तियां दाखिल की थी, जिसको लेकर के भी कल देर शाम तक मंथन चलता रहा चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आज अंतिम आरक्षण की जो सूची है वो चुनाव आयोग द्वारा फाइनली जारी की जा सकती है और उसके बाद निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उनकी भी घोषणा हो सकती है। चूंकि प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं, अब केवल और केवल इंतजार है तो तारीखों का, और तारीखों का इंतजार आज से कल तक खत्म हो जाएगा। आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करता है उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और देखिए दूसरी तरफ चुनावी दल भी मजबूत रणनीति के साथ चुनावी कह सकते हैं अपनी वैतरणी को पार लगाने में जुटे हैं। दलों की तैयारियां भी साफ दिख रही हैं। बीजेपी मजबूती के साथ दिख रही है, समाजवादी पार्टी भी कड़ा मुकाबला देने के टक्कर में दिख रही है। संजय, सरकार बनाने के लिए चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सभी अपने अपने जो कील काटे हैं वो दुरुस्त करके अब प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है और हर सीट पर चाहे नगर निगम की 17 सीटें हों या फिर 700 से ज़्यादा नगर जो पालिका हैं उनके अध्यक्षों की सीटें हों, इन तमाम सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो उसको लेकर के बीजेपी ने कोर पूरी तरीके से तैयारी की है। समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीतियाँ अलग ढंग की बनाई है, तो वहीं बसपा भी अपने तरीके से पूरी जो शहर की सरकार है उस पर काबिज होने के लिए अपनी रणनीति बना चुकी है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि पूरा इस निकाय चुनाव का मुकाबला
किस ओर जाता है। हालांकि अभी तक के परिणामों में साफ तौर पर बीजेपी को शहर की सीटों पर असफलताएं मिलती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके की टक्कर है और जिस तरीके के मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में आने वाले हैं, उन मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का होने वाला है। धन्यवाद संजय आपका जानकारी देने के लिए।